आज बने थे कुट्टू के पकौड़े। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सबको, आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले मैं उठी, फ्रेश फ्रेश हुई, फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी झाड़ू वगैरह लगाई। नवरात्रि के दिन झाड़ू पोछा एक बार तो हल्का फुल्का हम कर ही लेते हैं, तो मैंने सोचा अभी डिवस हो रही है उससे पहले मैं एक बार झाड़ू पोछा कर लूँ थोड़ा बहुत, फिर मैं अपने पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी। सब नहा धो के आते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे दरबार है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई तो हल्का फुल्का कचरा निकल जाए। बहुत ज़्यादा सफाई से तो नहीं कर रही हूँ, बट जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ ताकि एक बार साफ सा हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और फर्स्ट नवरात्रि को हर किसी के घर में बहुत ज़्यादा काम होता है क्योंकि पूजा पाठ एक्स्ट्रा होती है, पूरी मूर्ति की स्थापना, कलश स्थापना सब करना होता है। सो जो कलश होते हैं उसमें होते हैं आम के पत्ते, इनको लगाते हैं, और साथ में इसमें मैंने डाले हैं एक कौड़ी और लौंग, सिक्का और सुपारी, इनसे किया है। अब इनको अच्छे से अरेंज कर दूँगी, धो के साफ करके ये रख दिए थे, तो अब इनको लगा के इसमें नारियल की स्थापना होगी। तो ये है मेरे कलश की स्थापना कर रहे हैं और इस पर अच्छे से चारों तरफ मैं बना दूंगी सातिया स्वास्तिक। तो जैसे मैंने बताया इस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है नवरात्रि वाले दिन। अभी पूजा पाठ का काम मैं और दीदी करेंगे, फिर ये तैयारी हो जाएगी, तब मम्मी भी हमारे साथ जोत वगैरह जलाएंगी, पूजा करेंगी। इतने बाकी भी सबके लिए चाय बन रही है, और इस दिन हमारे जो पड़ोस में, मतलब पास में गाँव में जो माता है वो पूजने जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने जौ बो दिए हैं। तो गाइस, कई बार ऐसे होता है जॉब बहुत अच्छे होते हैं और कई बार बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ये तो पता नहीं, मुझे लगता है तुक्के की बात है, पता नहीं क्यों कई बार तो बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और ये जो ड्रेस थी दी ने मंगाई थी कल, वो वाली थी, यहाँ पर कर रही है ये तैयारी। दीदी आ गई थी नहा धो के, तो अब यहाँ पे कर रहे हैं, और साथ में उठ गई हमारी डीवा मैडम जो भी दीदी के साथ लगी हुई है पूजा पाठ में। मम्मी मंदिर में कर रही हैं और यहाँ पर दीदी कर रही है नवरात्रि वाली पूजा। मंदिर में हमारे बहुत सारे भगवान जी रखे हैं, और चौकी तो माता की हमेशा ही अलग लगती है। किसी ने मुझसे पूछा था दी चौकी लगानी अलग ज़रूरी है, नवरात्रों में तो माता की चौकी अलग ही लगती है और इनकी पूजा अलग ही थी। इनके साथ आप चाहें अपने भगवान जी रख लीजिए, जैसे लड्डू गोपाल या आप जो चाहें, पर मंदिर के अलावा माता की चौकी तो अलग ही लगती है। तो यहाँ पे हमने दरबार बनाया था, वो आपको दिखा दिया था पिछले व्लॉग में। अब यहाँ पे हमारी पूजा पाठ शुरू हो गई है। जो एक उपला होता है उसमें करसी लगा के, ये भी हवन सामग्री वगैरह डाल के इसकी धूप दिखाना घर में, और पूरे घर में जब इसका धुआं हो जाता है ना, उसकी जो खुशबू होती है उससे बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिविटी आती है। और ये मैंने आपको बताया था ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि ये इस वेदर में जितनी भी बीमारी हैं बहुत कम कर देता है घर में से, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह ये तो कम होते ही हैं, और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है। नवरात्रि इसलिए बहुत स्पेशल होते हैं, दोनों वेदर में बहुत अच्छा सा पॉजिटिव सा माहौल ले आते हैं। हर जगह पूजा पाठ, हवन, फूल, इन सब की खुशबू, तो सब कुछ वेदर और मौसम और ना माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी तैयारी चल रही है पूरी पूरी। अब इसके बाद जाएंगे हम माता पे। सो गाइज, जो हमने सूट पहना है मैंने, तो ये वाले सूट आपको मिल जाएगा सीमा दी और सोनाली के पैसे, और जो दी ने सूट पहना है वो मिल जाएगा स्तुति के पैसे। इन सब के इंस्टा लिंक आपको मिल जाएंगे, इंस्टा पे उनके पेज मेंशन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई थी। मैं सिंह एक हो जाए रोज मारे भैया ब्रेक तो मारते किसी के टक्कर मम्मी। हाँ ठीक है, वैसे तो अभी रूम में आएंगी आज, वैसे तो अभी नहीं है। वैसे तो उन्हें मतलब ऑपरेशन के बाद उन्हें फिर चला के भी देख चला भी दी। क्या क्या बात है, क्या बात है, मैं क्यों लूँ, मैं क्यों लूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी, कोई चक्कर ही नहीं है।
मतलब तू दूध पी ले जा, दूध पी ले जा मतलब क्यों ले हूं? ये थोड़ा सा तो क्यों ले ऊपर जाएगी उसको चाय सुबह घूमी आई एक बार मेरे ऊपर चली नहीं और तो ये बॉक्स भर के हमारे चिप्स तैयार थे और इसमें से थोड़े से मैंने पहुंचा दिए चाची के घर, वरना ये पूरा फुल भर के बना था। 6-7 किलो आलू होंगे, 7 या 8 थे, मतलब 10 से थोड़े कम थे, हाँ 7-8 किलो आलू के करीब में। और ये 10 किलो का डब्बा है, ये पूरा भर गया था। इस तरह से बहुत ही अच्छे बने और इनको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। हमने यही खा रहे हैं फास्ट में और सच्ची बताऊँ मार्केट के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने हैं। कैसे और नहा के चाय वाय पीने में हमें 11:30-12 के करीब बज गए। उसके बाद मैंने डीवा को भी नहलाया था, अब ले लिए चाय चिप्स। सो गाइस, आज है नवरात्रि। आपको और आपके परिवार को मेरी और मेरी पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपके लिए काफी अच्छे हों, बहुत बहुत खुशियाँ लाएं, आपके घर में सब कुछ अच्छा अच्छा काम हो, तो यही मेरी दिल से इच्छा है। मम्मी का ऑपरेशन हो गया, काफी अच्छे से हुआ। अब तो मम्मी और दीदी चाची सब गए हैं देखने, मैं नहीं गई क्योंकि मैंने कहा घर पे रुक जाती हूँ, डेली डेली जाना है ना, अप डाउन मेरे लिए थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। वो फास्ट है ना, आज मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सो उसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग अवॉइड करती हूँ फास्ट वाले दिन खासकर, तो आज नहीं गई, फिर मैं एक दो दिन बाद जाऊँगी। सो गाइस, फेस्टिवल्स की तो बात ही अलग है। आज मैंने ये सूट वेयर करा है, बहुत प्यारा सूट है, इसको पूरा लुक आपके साथ शेयर करूंगी। तो सूट के अकॉर्डिंग चाहिए फेस पे हल्का फुल्का सा मेकअप, मतलब मैं अगर मेकअप चाह रही हूँ एकदम नेचुरल भी लगे और थोड़ा सा बेस भी बन जाए ताकि स्किन ऐसे रफ रफ सी ना दिखे। तो घर में क्या हम बहुत सारा फाउंडेशन ये वो लगा लें तो वो भी अजीब लगेगा, तो उसके लिए क्या दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे पास है मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीरम, तो ये सीरम है जिसमें ये फाउंडेशन बीबी क्रीम इन सब का काम भी करेगा और साथ में एक बेस भी बनाएगा। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, हाफ फेस पे दिखाती हूँ फिलहाल। तो यहाँ देखिए डिफरेंस, अभी आपको दिखाती हूँ। इस साइड की स्किन आपको दिख रही होगी थोड़े बहुत अनइवन है और यहाँ एकदम से ये लगाते ही जस्ट आपके सामने मैंने लगाई और एकदम से स्मूथ हो गई है, तो इतना अच्छा इफेक्ट मुझे दिख रहा है। हाथ से ही ब्लेंड करेगा और बिल्कुल भी हाथ पे नहीं बची है, ना ही हाथ चिपचिप हो रहे हैं, जैसे आपके हाथ एकदम वाइट कुछ हो जाते हैं अगर आप फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे। देखिए जैसे मर्ज होकर लग गई है, इवनली स्प्रेड हुई है। सो यहाँ पे है मामा अर्थ का हाइड्रो ग्लो सीसी सीरम विद विटामिन सी एंड हाइलोरोनिक एसिड विद एसपीएफ 30, जिसमें 3 शेड है, वनीला, पीच एंड हनी, और साथ में है इसमें टिंट जिसमें है मामा अर्थ का बीटरूट रेड, रोज पिंक और कोको न्यूड। 3 लिप्स, चिक एंड आई टिंट जो होते हैं ना, जो मेकअप में डेली में यूज़ कर सकते हैं नेचुरल ग्लो के लिए, वो है साथ में। तो सीरम के बाद मैं फेस पे लगा रही हूँ पिंक टिंट, जिससे कि चिक्स में पिंक होगा। इसमें है रोज़ पिंक जिसमें कि रोज़ की गुडनेस है, तो बहुत ही नेचुरल सा लगेगा। इसको आप लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लिप्स क्रैक हो जाते हैं उसके लिए हीलिंग का काम करेंगे और लिप्स एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे। चिक्स पे भी ये हार्म नहीं करेंगे आपके, चिक्स पे भी बहुत ही अच्छे से ब्लशर का काम करते हैं ये, और मैंने आईज़ पे भी लगा लिया है, तो यहाँ पे सारे में अप्लाई कर सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छी इसकी सूदिंग सी एकदम फ्रेग्रेंस थी। सो मैंने अपनी सीसी क्रीम लगाई, उसके बाद लगाया टिंट और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। तो एक टिंट से मेरे 3 काम हो गए, ब्लशर का, आई शेडो का और लिप्स का, तीनों चीज़ें मैंने अप्लाई कर ली हैं। गाइस, आपको दिख रहा है कितना नेचुरल सा मेकअप दिख रहा है, बिल्कुल नेचुरल ग्लो, एकदम नेचुरल हो गए हैं पिंक लिप्स, चिक। तो ये सारे प्रोडक्ट लिए हैं मामा अर्थ के हैं। आपको पता है मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, नेचुरल है, सेफ मेड है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, तो स्किन पे अप्लाई करने में कोई भी हार्म नहीं होगा। और आपको पता ही है, जैसे मैं हमेशा बताती रहती हूँ, मामा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का इनिशिएटिव लिया है। अगर आप मामा अर्थ से कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं एक वेबसाइट से जहाँ आपके नाम से ट्री प्लांट होता है, तो ये नेचर के लिए काफी अच्छा है, इसके लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, mamaearth.in, पर्पल पर, और वहां से अगर आप ऑनलाइन मंगाने में दिक्कत है तो आजकल ये आपके नियर बाय स्टोर्स पर अवेलेबल है। और गाइस, अगर आप मेरा दिया कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन पे मेंशन है वहां से मंगवाते हैं तो आपको मिलता है 20% एक्स्ट्रा ऑफ इन प्रोडक्ट पर, 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ साथ और गाइस, अगर
मामा अर्थ ने अपना ऐप लॉन्च करा है जो एंड्रॉयड एंड आईओएस यूजर्स के लिए है और उससे आप परचेज कर सकते हैं। सो इन प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया ते सब तो ज्यादा सोहनी एक माँ धी की जोड़ी, गम जे किसे एक नु होए तां दूजे दी अख रोंदी है थोड़ी थोड़ी। दुनिया ते सब तो ज्यादा सोहनी एक माँ धी की जोड़ी। सो गाइज, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी आज के ब्लॉग में, स्पेशली आप सबको थैंक्स, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो डाली ना मम्मी के लिए, ना कि सिर्फ मम्मी के लिए कमेंट आए कि आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी, विशेस दी, बट आपने इस तरह से मतलब इतनी चिंता दिखाई, बहुत लोगों की बहुत बहुत मैसेजेस आए कि मम्मी कैसी हैं, ना कि आंटी जी आपकी मम्मी, लोगों ने जस्ट ऐसे फील करा कि वो आपकी मम्मी है, कैसी हैं आप मम्मी, तबीयत कैसी है, जल्दी ठीक हो जाएंगी, घबराइए मत, परेशान मत होइए। तो बहुत देखिए, हमने एक अपने साथ एक जर्नी स्टार्ट करी, आप लोग जुड़ते गए, बट वो जर्नी जब हमारे पास कुछ ऐसा टाइम होता है ना, जब भी मैंने देखा है मेरा कोई ऐसा टफ टाइम है, मैं खुद परेशान हूँ या मैं मम्मी परेशान है या कुछ भी चीज़ है, बट आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है बहुत चीज़ों में। तो स्पेशली आप सबको थैंक यू सो मच, ईच एंड एवरीवन जिन्होंने कमेंट करा, मे बी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता हर एक के कमेंट को रिप्लाई कर पाना, सो मैं खुद से दिल से आप सबको मैनी मैनी थैंक्स कि आप सब ने इतनी ज़्यादा विशेज करी, इतना सारा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच गाइज। तो मम्मी अब ठीक हैं, आपने देखा रिकवर कर रही हैं, और जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन डॉक्टर ने वहाँ पे उन्हें चला दिया था, वो चल गई थी, उसके बाद उन्होंने जो एक खुद से चलने लगी हैं अब। फिर मैंने शाम को संध्या आरती करी, अपना पूजा पाठ करा, तो जब मन ठीक होता है तभी कुछ करने का मन होता है, जब मन ठीक नहीं होता ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता, चाहे कितना ही बड़ा ओकेजन हो, कितना बड़ा फेस्टिवल हो। जब ये लगा मम्मी अब ठीक है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, वो खुद से चल रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने शाम के टाइम ये साड़ी वियर करी, खीर में खा चुकी, दही चटनी यही था मेन्यू, मैं सोच रही थी कुछ अलग से बनाऊं, बट फिर मेरा हेडेक होने लगा, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन हो रहा था, तो मैंने कहा दीदी से तू वही बना दे, कुट्टू के पकौड़े फटाफट बन जाते हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं, बाकी सब चीज़ें मैंने कहा कल देखेंगे, आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रखा है, सोच रही बनाऊं। ऐसे वीडियो में बोर करते हैं तेरे को, है इनका यही है भी फालतू का काम, ऐसे बोर करते रहते हैं। जिन जिन राधे राधे कह दे, राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे 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 कह दे जिन। और गाइज, आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारी डीवा के लिए आती हैं डेली, और उन्हीं की वजह से डीवा में बहुत जल्दी मतलब डीवा हमारी ग्रो कर रही है, और अभी इसने राधे राधे करना स्टार्ट कर दिया, अभी ये बहुत सारे वर्ड्स बोलने लगी है, क्रॉल करने लगी है, तो ये भी अपने अपनी तरफ से ठीक है, काफ़ी अच्छा कुछ कर रही है, और बेबी गर्ल को बढ़ते हुए देखना ना तो ये हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। सो चलिए गाइज, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अपना वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करना, बाय बाय।